योगेश्वर अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से मुखातिब हो रहे हैं और इसका फल योगेश्वर दत्त को भलीभांति मिल भी रहा है। जहां भी योगेश्वर दत्त पहुंच रहे हैं, जनता उनको आगे बढ़कर जीत का आशीर्वाद दे रही है। अपने चुनावी यात्रा के दौरान योगेश्वर ने दर्जन भर गांवों में दौरा किया। इसी कड़ी में गांव छिछड़ाना में जनता की अपार भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं गांव की स्थानीय चौपाल में खड़े होकर प्रतिज्ञा की, जनता के बीच सेवा भाव से आया हूं और सेवा का मौका आपने देना है और इस मौके से चूक मत जाना, नहीं तो झूठे लोगों ने जैसे कई सालों से विधायक बनकर आपके ऊपर राज किया है, आगे फिर वो ही काम करेंगे। जनता से वोट की अपील करते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा कि इस बार बड़ौदा विधानसभा पर बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर से विजयी होगी। वोटिंग के दिन सभी को समझाकर बूथ तक ले जाकर वोट जरूर डलवाने की अपील की और जनता को ये विश्वास दिलाया कि आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा और ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। वहीं सादगी का परिचय देते हुए कहा कि आपका बेटा हूं, गलती हो जाए तो माफ अवश्य कर देना और कमल के बटन पर वोट डालने जरूर जाना। उस वोट पर प्रतिभा उसकी जरूर निखारेंगे, चाहे मैं कुछ भी करना पड़ा है, वो गरीबी की वजह से पीछे रहेगा। अपना बेटा की 3 दिन रह गए, 21 तक इलेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करो और वो जितने भी आस पास के सब की वोट कराओ। इस बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मतों से विधानसभा आपको सही प्रोत्साहन कर रहा है। आप सब पैसे एक चीज सोचो कि वोट सबकी डलवानी है, सब ना समझाओ और वोटिंग वोट बूथ ले जाओ और वोट डलवाओ। मैं हमेशा आपके बीच में आपके साथ खड़ा रहूंगा, यूं मैं अपना विश्वास दिलाऊंगा। कल भाई रैली है प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, मुंह आना मैं, आप सब ने आना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनो।